राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इंदौर जिले की 27 खेल प्रतिभाओं को संजय गांधी खेल अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं चकदे इंडिया फैम के रियल कोच मीर रंजन नेगी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। दरअसल इंदौर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली इंदौर जिले की 27 खेल प्रतिभाओं को संजय गांधी खेल अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान भारी संख्या में इंदौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण के साथ साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी और चकदे इंडिया फैम के रियल कोच मीर रंजन नेगी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव व मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सचिन सिलावट ने इस भव्य आयोजन के लिए खूब मेहनत की थी और खिलाड़ियों के बड़े जमावड़े में खूब पसीना बहाया। इस मौके पर पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पिंटू जोशी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश गर्ग, जय हाडिया, कांग्रेस नेता गजेंद्र वर्मा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष लकी अवस्थी, ओम सिलावट सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। ओल्ड एलियंस के चेयरमैन हैं और कई प्रकार की शैलेश भाई, अर्चना भाभी, संदीप जी, रमेश भाई, पिंटू भाई। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे सचिन भाई ने आज इतनी प्रतिभा का सम्मान रखा और हमारे मेरे बहुत संदीप भाई मौर्य वाले पवन जी, इन्होंने रखा। हमेशा सचिन भाई के लिए तैयार है और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत मैं हमारे वकील साहब यहाँ मौजूद हैं और हडिया जी, वो दो शब्द आप सभी खिलाड़ियों को आशीर्वचन के रूप में। शैलेश भाई मंच पर हम सब के आदरणीय उपेक्षाओं से घिरे हुए देते हैं, उनका मान सम्मान एक पहल, अच्छी पहल है। मैं अपनी ओर से इस पहल के लिए रोशन जी निगी साहब, आज इनके लिए डाक टिकट जारी हुआ है। भाई साहब के नाम इंडिया पिक्चर भी भाई साहब के नाम बनी है। ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं, इनका मैं खेल प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में आप सबसे पहले निवेदन करूंगा। विन्ना भाटिया जी स्वागत हमारी अर्चना जायसवाल जी के स्वागत के लिए, कृपया इनका स्वागत करते हुए और उसका सम्मान करते हुए ऐसे ही गाने गाते रहे और पलक उछाल जो भारत माता सपूत होता है और अपने लक्ष्य को लेकर चलने के लिए अपने खेल में कुछ कष्ट प्रदर्शन करने के लिए अपना पूरा पसीना। जब सम्मान मिलता है, कोई पीठ थपथपाता है, तो जितनी आप मेहनत करते हैं वो सफल होती है। ऐसा ही सम्मान समारोह की यहाँ पर जो आयोजित हुआ है उसके पीछे शायद यही एक भावना रही है। कहते हैं कि जिनके पैर जमीन पर खड़े होते हैं वो तो बहुत मजबूती से खड़े होते हैं, वरना संगमरमर की फर्श पर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को फिसलते हुए देखा है, अच्छे अच्छे पेड़ों को फिसलते हुए देखा है। ये मजबूत अगर हमारी जड़ें रहेंगी तो हम हमेशा जिंदगी में सफल होंगे। और यही बात जो थी ये तुलसी सिलावट जी के साथ में थी, जिस तरीके से वो जमीन से जुड़े रहे, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी जमीन से जुड़े रहे और जिस तरह से ये बाकी सारे लोग इतने साल तक कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे, तो उसी का नतीजा है कि आज हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ आई है। खिलाड़ी हैं उनको सम्मान मिले, इसके लिए मैं सचिन सिलावट को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ उस नाम को भी मैं नहीं भूल सकता, ना छोड़ सकता, जो हमेशा से चुनाव हो या ना हो 5 साल तक कोई ना कोई कार्यक्रम लेके राष्ट्रीय स्वर्ण पदक और राज्य स्वर्ण पदक और उसके बाद जब एक साथ ग्रुप फोटो में बताएंगे। रोल कॉल अनिश वर्मा,